क्या हाल चाल दोस्तों। अगर आपने नोटिस करो, काफी सारे फोन्स में दिक्कतें आ रही हैं। किसी में येलो लाइन का इशू है, किसी में फ्लिकर का इशू है, काफी लोगों को मदरबोर्ड के इश्यूज आ रहे थे फोन में, जो भाई बहुत एक सीरियस इशू है एंड ये नहीं होना चाहिए था। एंड आप में से भी काफी सारे लोग डिसअपॉइंटेड थे एंड आपने कमेंट भी करे थे, बट कुछ कंपनीज ने आगे बढ़ के इन सारी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करा एंड पोको उनमें से एक कंपनी है। पोको ने जितने भी फोन्स में हल्की सी भी दिक्कत आ रही थी उन सबको 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी। और अभी आप में से काफी सारे लोग सेल में लेने वाले होंगे, तो भाई मैंने सोचा ये वीडियो ही बनाता हूं। एंड हमारे स्टूडियो में पोको का ही X5 Pro काफी लोग यूज कर रहे थे, मिक्स मैच करके हमने काफी ज्यादा यूज करा एंड अच्छे से हमने इसकी टेस्टिंग करी है। एंड एक और ना थोड़ी सी कायापलट सी हो जाती, क्योंकि फोन पे सेल आने के बाद ना ये अलग ही सेगमेंट का फोन बन जाता है। क्योंकि जब ये फोन निकला था तब ये 22,999 रुपए का था, मतलब 20 से 25 हज़ार रुपए का स्मार्टफोन था, बट ऑफर लगने के बाद ये बदल चुका है। आज अगर आप लेने जाते हो फ्लिपकार्ट पे, आप 16,499 रुपए का मिल जाएगा, ऑलमोस्ट मतलब 15,000 से थोड़ा सा ही ऊपर। तो भाई 6 महीने बाद इस फोन का प्राइस सेगमेंट जिसका बिल्कुल बदल चुका है, ये लेना वर्थ है कि नहीं हम थोड़ा फाइंड आउट करते हैं एंड क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेट्स गो। सबसे पहली चीज, पोको भाई अमंगस से मेरे को बिल्कुल इंस्पायर्ड लगता है, क्योंकि अमंगस बोल लो पिकाचू बोल लो, मतलब कुछ ना हल्का सा एक फन सी वाइब तो लगती है। एक ब्लैक कलर का पूरा एक बॉर्डर है और बैक साइड पूरी येलो है, पूरा एक मैट फिनिश है, प्लास्टिक लग रखा है, ये बटन भी येलो कलर का है। यहाँ पे 3 कैमरा है, ऑफकोर्स भाई 2 अपने सिंगल डेप्थ और मैक्रो। फोन जो आप हाथ में पकड़ोगे काफी लाइट वेट फील होगा, काफी पतला और हल्का है, 180 के अराउंड इसका वेट है और 7.9 mm इसकी थिकनेस है, काफी बॉक्सी सा डिजाइन है। हमने इसीलिए सोचा भाई बजट फोन्स का थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रिव्यू भी करके आपको बताएंगे, एक दो फोन्स का करके बताते हैं तो आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा। एंड इसमें हमने पोको सेलेक्ट कर, आप भी बताना आपको किसी का रिव्यू चाहिए कमेंट सेक्शन में। पहले से इसमें काफी सारी प्री इंस्टॉल्ड ऐप आती है, उनके नोटिफिकेशन आते हैं और वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलती रहती है, क्लीनर इनर आप उनको उड़ा नहीं सकते, ये एक इशू आया था। बट इसके अलावा हमको ना कोई मदरबोर्ड, ना कोई ग्रीन लाइन या फिर ऐसा कोई सीरियस इशू हमको नहीं देखने को मिला, और ये सारी चीज़ें हमको पता थी जब हम फोन यूज़ करना स्टार्ट कर रहे थे। उसके अलावा जितनी फ़ोन में चीज़ें थी, कैमरे के अंदर, प्रोसेसर के अंदर, सारी जो मतलब वीडियो में भी आपको बताऊँ वो सारी ही हमको कंसिस्टेंट लगी। एक चीज़ मेरे को और इंटरेस्टिंग है, तो येलो कलर का बटन, इसी में फिंगरप्रिंट लग रखा है, हमें जितना भी लॉक अनलॉक करा काफ़ी तेज़ी से खुल जाता है, फिंगरप्रिंट ऑलमोस्ट टच करते ही ये खुल जाता है। इसमें जो ऐप लॉक है उसमें भी ये सेम फिंगरप्रिंट वाला आप यूज़ कर सकते हो, छोटा सा फीचर है बट एक्चुअली काम रियल लाइफ में बहुत ज्यादा। इस फोन के अंदर 2 5G सिम आप लगा सकते हो, लेकिन इसमें कोई SD कार्ड स्लॉट नहीं है। 20,000 से 25,000 में जब ये निकला था तब भाई वहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर कॉमन चीज़ थी, बट 16,500 के प्राइस पॉइंट पर डुअल स्पीकर बड़ी बात है, मतलब ऊपर भी स्पीकर है नीचे भी स्पीकर है एंड आवाज़ काफ़ी अच्छी है। बीस से पच्चीस से आ रहा हूँ बहुत तगड़ी नहीं है स्टीरियो क्वालिटी, बट 16,000 के आ रहा हूँ स्टीरियो की जो ऑडियो क्वालिटी है वो भाई अच्छी मैं बोलूँ। एंड IP53 रेटिंग भी है, तो आपके हल्के फुल्के छपा के थोड़ी बहुत धूल जाती है, कोई चाल नहीं आएगा। 20 से 25 हज़ार में एक चीज़ और कॉमन है, हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि 120 Hz AMOLED तो सब में ही आया, बट 16,000 पे जब प्राइस आया यहाँ पे 120 Hz AMOLED नहीं मिलता। 120 Hz AMOLED भाई इस प्राइस पॉइंट पे डेफिनेटली काफ़ी सॉलिड है। वैसे है एक फ्लैट स्क्रीन, वैसे थोड़ा सा कर्व वर्व भी आ जाता। इसको हमने इंडोर भी यूज़ करा, बाहर भी यूज़ करा, धूप में भी ट्राई करा, कोई ऐसे चैलेंज नहीं है, क्योंकि भाई ब्राइटनेस 900 निट्स है, मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल नहीं है, बट एक्चुअली हमको सारी चीज़ें क्लियर दिख रही थी। एंड AMOLED डिस्प्ले भाई 16,500 के प्राइस पे डेफिनेटली काफ़ी सॉलिड फील होता है भाई। बाकी नेटफ्लिक्स में वाइल्ड वाइन एनवर का सपोर्ट है, नेटफ्लिक्स चलाना है, HDR चलाना है, सब कुछ हो जाता है। इसमें 1920 Hz PWM डिमिंग देखने को मिल जाती है, ये मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। जैसे फ्लिकरिंग होती है ना स्क्रीन के अंदर, तो ये फ्लिकरिंग वाली चीज़ है, ये बेसिकली डिस्प्ले में डाली इसलिए जाती है ताकि डिस्प्ले हमारी आँख को ना खराब करें, बट काफ़ी सारे डिस्प्लेज में की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ कुछ ग्रीन लाइन इश्यूज भी थे, कुछ कुछ अलग अलग टाइप के इश्यूज थे डिस्प्ले के अंदर, वो मैंने रिसर्च करी एंड वो सारी चीजें फिगर आउट करी कि भाई क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में। बट अगर मैं सिंपल से बताऊं तो इस वाले फोन में हमने ऐसा कोई इशू नहीं फेस करा, बट एक इशू फेस करा कि भाई इसके ना कैमरे के अंदर बहुत नेक्स्ट लेवल डिटेल नहीं है। 20 से 25 हज़ार के प्राइस पॉइंट पे आप डिसेंट बोल सकते हो, बट जब ये 16,000 के प्राइस पॉइंट पे आता है तो ये डेफिनेटली अच्छा हो जाता है। 100 MP का कैमरा With OIS, मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं, 108 MP मतलब ऐसा बहुत ही नेक्स्ट लेवल डिटेल नहीं, अच्छी डिटेल है। वैसे इसमें कैमरे सेटअप 3 कैमरे का सेटअप है, एक 108 MP का है, एक 8 MP अल्ट्रा वाइड है जो भी इस प्राइस पॉइंट पे नहीं आ पाता, एंड 16 MP सेल्फी कैमरा है, इससे भी हमने फोटोज खींची। ओवरऑल जो कलर्स आते हैं फोटोज में वो मेरे को अच्छे लगे, ज्यादा बूस्टेड नहीं है बट एट द सेम टाइम अगर डिटेल्स की बात करो तो ओवरऑल फोटोज सही आ रही है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी बैलेंस्ड है,
30-40 हजार के 100-100 मेगापिक्सल कैमरे आते हैं, उनसे आप प्लीज कंपेयर मत करना। वैसे है तो 108 मेगापिक्सल, बट अगर आप नॉर्मल फोटोज खींचोगे तो 12 मेगापिक्सल की ही लेगा, एंड ओवरऑल फोटोज की फील अच्छी लग रही है। अब देखो हमने वाइड एंगल से वाली फोटो ली है, वाइड एंगल पे कलर शिफ्ट ज्यादा नहीं है एंड मेन कैमरे से सॉफ्ट ज़्यादा है फोटो, मतलब डिटेल आपकी थोड़ी कम है, बट ओवरऑल फोटो में ऐसी कुछ खास नॉइज़ नहीं है तो आपको अच्छी लगेगी फोटो। बट फोटोज़ काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है अगर आप बाहर लेके जाते हो जहाँ पे रोशनी ज़्यादा है। मैक्रो लेंस पे हमने ट्राई करे, लेयर्स की स्किन के हमने टेक्सचर देखे, एक बेसिक मैक्रो कैमरा आप बोल सकते हो, ज़्यादा लोग शायद यूज़ भी ना करें। पोर्ट्रेट मोड हमने यूज़ करा, पोको का सॉफ्टवेयर एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छा था। लो लाइट में भी प्राइस के हिसाब से भाई ठीक फोटो खींच देता है। हमने भाई इतना टाइम टेस्ट करे तो सारे मोड सारे सॉफ्टवेयर सब कुछ जान मारा था, तो बेसिकली इसमें स्लो मोशन में हमने वीडियो बनाई, टाइम लैप्स लिया एंड रियर साइड से आप 4K 30 FPS तक आप वीडियो शूट कर सकते हो एंड 4K में स्टेबलाइजेशन अच्छे से हो रहा है जो इस प्राइस पॉइंट में नहीं मिलता। लेकिन अल्ट्रा स्टडी मोड जो है उसमें थोड़ा सा वॉबल मेरे को फील हुआ, वॉक करते टाइम भी हमने वीडियो बनाई तो ये तो सही आ रही है एंड स्पेशली इस प्राइस पॉइंट कह रहा हूँ एक अच्छा कैमरा आप इसको बोल सकते हो। ये है ऑफकोर्स एक 5G फोन, 7 बैंड्स मिल जाते हैं, एक एयरटेल वाली सिम डाली थी, एक जियो वाली सिम डाली थी, सिग्नल थोड़ा अलग अलग आ रहा था बट दोनों में 5G चल रहा था। हमने कॉलिंग भी ट्राई करी, कोई भी इशू नहीं आया। वाईफाई 6 भी आपको मिल रहा है, हमने ना ट्राई करा था वाईफाई पे कितनी स्पीड आती है, मेरे को ना ऐसा फील हुआ कि बजट फोन में क्या होता है ना वाईफाई का सिग्नल ना थोड़े कम रेंज में पकड़ता हो, ये थोड़ा ज्यादा रेंज में वाईफाई का सिग्नल पकड़ रहा था, एक दो अंडी आ रही थी बट बाकी में कनेक्शन ही नहीं आ रहा, तो वो चीज भी मेरे को सही लगी इस वाले फोन। तो भी एक छोटी चीज है बट हमने भाई कर रहे थे टेस्ट तो भाई ये पता चल गया, यूज करते करते IR ब्लास्टर यूज कर सकते हो। बैटरी इसमें 5000 mAh की है, मतलब हल्का सा एकदम ही स्लीक तो नहीं बोलूंगा, जो ऐसे साइड से ऐसे राउंडेड वाले आते हो हाथ में पकड़ने थोड़े ज्यादा पतले लगते हैं, ये थोड़ा स्क्वायरिश सा है बट दोनों चीजें मिल जाती है। 67 वाट फास्ट चार्जिंग भी है, 5000 mAh की बैटरी भी है, दोनों मिलके अपना सॉलिड एक कॉम्बो बना लेते हैं, आप इसको 2 दिन चला सकते हो। एक चीज है जो भाई मेरे हिसाब से इसमें अपग्रेड होनी चाहिए, वैसे है इसमें एंड्रॉइड 12 चलता स्मूथ है बट एंड्रॉइड 13 होना चाहिए भाई। हमने इसको जितना टाइम यूज करा एक सिक्योरिटी पैच इसमें आया था, उसमें ज्यादा चेंज हमको नहीं फील हुआ था एंड 2 इसमें अपडेट्स आए थे, उसमें काफी सारी चीजें चेंजेस थी। एक मेजर अपडेट था 500 MB के अराउंड का, उसमें काफी सारे मतलब फोन के अंदरूनी चेंजेस थे एंड परफॉर्मेंस इंप्रूव थोड़ी सी हुई, थोड़ा स्टेबिलिटी मेरे को लगा बेटर हुई है। बेसिकली मेरे हिसाब से जितने बग्स होते हैं वो फिक्स करे गए होंगे इसमें। इसमें फेसबुक अमेजोन जैसे ऐप्स थे तो हमने सारे अनइंस्टॉल कर दिए थे, जितने हमको बस चाहिए थे वो हमने रखे एंड MIUI 14 इसके अंदर आता है, MIUI वाले सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है। एक चीज और मैंने नोटिस करी, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन में और ऑफ में 4-6% का बैटरी डिफरेंस हमको फील हुआ। लॉक स्क्रीन की क्लॉक आप चेंज कर सकते हो एंड बेसिक MIUI के सॉफ्टवेयर वाले जितनी चीज़ें होती हैं जैसे आप थीम्स और जितनी चीज़ें। आई होप भाई पोको इस प्राइस पॉइंट पे इसमें एंड्रॉइड 13 का भी अपडेट तेजी से दे दे। 20-25 हज़ार में भी परफॉर्मेंस में बहुत सॉलिड स्मार्टफोन था, सेम चीज़ को जो आप ला के भाई 16,500 रुपये के प्राइस पॉइंट पे देते हो। स्नैपड्रैगन 778G इसमें आप भाई पबजी ऑलमोस्ट हाईएस्ट सेटिंग पे खेल सकते हो, ये काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है एंड इसके साथ आपको स्टोरेज भी फास्ट मिल जाती है, UFS 2.2 है। परफॉर्मेंस में इस प्राइस पॉइंट पे बेस्ट स्मार्टफोन है अभी, मतलब जब तक सेल है। COD मोबाइल हमने खेली थी, अल्ट्रा या फिर हाई सेटिंग पे आप खेल रहे हो तो 60 FPS ईजिली आपको आएगा। इस 4 कोर्स हैं इस प्रोसेसर में, अच्छी परफॉर्मेंस देता है। BGMI में भी हाईएस्ट ग्राफिक्स फ्रेम रेट सेटिंग्स वो भी टॉप पे चल रही थी। 2 गेम्स आप बीच में स्विच भी कर सकते हो, हैवी टास्क भी आराम से कर पा रहा है एंड एक अलग तरीके से रिव्यू करना पड़ गया इस वाले फोन को क्योंकि इसका प्राइस ब्रैकेट पूरा चेंज हो गया था एंड इस प्राइस पॉइंट पे एक काफी किलर परफॉर्मेंस वाला एक स्मार्टफोन बन जा रहा था। ये वाला स्मार्टफोन भाई 16,499 रुपये, ये वाला बेसिकली फ्लिपकार्ट की जो सेल है उसमें आपको मिलेगा। इस वाले स्मार्टफोन की सेल बिग बिलियन डेज पे 7 अक्टूबर से थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, 8 अक्टूबर के लिए सबके लिए लाइव हो जाएगी, इसी सेल पे मिल रहा है एंड इसी सेल की जो प्राइसिंग है उसी के अराउंड हमने इसका रिव्यू करा क्योंकि काफी डिफरेंट सेगमेंट का फोन बन जाता है एंड इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से परफॉर्मेंस किलर है, बैटरी डिस्प्ले सारी चीजें काफी सॉलिड है एंड जो कैमरा है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता था। आई होप आपको पसंद आया रिव्यू, इसी टाइप के और रिव्यू आपको देखने कमेंट सेक्शन में बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।